नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वे ऑफ लर्निंग एजुकेशनल पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता है, ध्यान दीजिएगा, इस चैनल पे रेगुलर एनालिसिस आरआरसी ग्रुप डी, साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी का जो बल्क वैकेंसी आई है उसका रेगुलर एनालिसिस इस चैनल पे, किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं पर डे दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस चैनल पे दो टाइम वीडियो अपलोड हो रहा है, एक टाइम मॉर्निंग शिफ्ट में, एक टाइम इवनिंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट में दोस्तों रियल स्क्रीनशॉट दिखाया जाता है और इवनिंग शिफ्ट में डाटा को एनालिसिस किया जाता है कि एक सीट के लिए किस जोन में कितने स्टूडेंट का फाइट चल रहा है। साथ साथ प्रीवियस एनटीपीसी जो हुआ था 2015 में क्या कट ऑफ रहा था जनरल ओबीसी एससी एसटी का, बिल्कुल फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन इस चैनल के माध्यम से इवनिंग शिफ्ट में किया जाता है। सो दोनों शिफ्ट का वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें ध्यान दीजिएगा, 25 मार्च का डाटा 8 बजे के लमसम में, 8 बजे तक जो डाटा आया है स्क्रीनशॉट, उसको मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। सो टी लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, कंफर्म कर देना चाहता हूँ, आप अगर अच्छे लेवल का प्रिपरेशन एनटीपीसी का करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जितना जल्द हो सके सब्सक्राइब कर लें। मैं बता देना चाहता हूँ, इस चैनल पर डे 2 से 3, 3 से 4 वीडियो ऑफलाइन अपलोड होते हैं, साथ साथ लाइव क्लासेस इंजीनियर राहुल सर द्वारा लिया जाता है, प्रीवियस ईयर्स का लाइव क्लासेस लिया जाता है जो स्टूडेंट के हित में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ साथ स्टूडेंट को हिट को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए इस चैनल पे 3 से 4 वीडियो अपलोड होते हैं। दोस्तों, जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपके स्क्रीन पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, उसे क्लिक करना है, साथ में बगल में बेल आइकन को भी क्लिक करना है, साथ साथ लाइक का बटन स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, उसे क्लिक करके लाइक करना है और वीडियो को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ध्यान दीजिएगा, फ्री स्टडी मटेरियल हेतु टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होता है। चलिए, टाइम को बचत करते हुए हम लोग एनालिसिस की ओर मूव ऑन करते हैं। ध्यान दीजिए, आरआरबी भुवनेश्वर का आपके स्क्रीनशॉट, कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ, सभी वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ कि जो डाटा मेरे पास आता है इसका 3 सोर्स मेरे पास है। पहला सोर्स साइबर कैफे, दूसरा सोर्स आप जैसा ही स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, स्क्रीनशॉट जो स्टडी इंडिया अड्डा का व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भेजा जाता है उनके द्वारा, उसी को एनालिसिस करके वीडियो यहाँ पे बनाया जाता है। कुछ कुछ रजिस्ट्रेशन मेरे माध्यम से भी होता है। चलिए, हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, आरआरबी भुवनेश्वर, ध्यान दीजिएगा, आरआरबी भुवनेश्वर का जो आंकड़ा बता रहा है 1,31,525 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। दोस्तों, ये सब रजिस्ट्रेशन जो है करीबन, मैं बता दूँ आपको, कल का डाटा ही है, कल का डाटा यानी इवनिंग टाइम का 8:30-9 बजे के बीच में रजिस्ट्रेशन हुआ था आरआरबी भुवनेश्वर में। 1,31,525 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चल रहे हैं कल का डेट का आरआरबी भुवनेश्वर का। चलिए, नेक्स्ट बोर्ड का बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ध्यान दें, नेक्स्ट बोर्ड आरआरबी पटना है। आरआरबी पटना का दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो 1,58,262, ध्यान दें, 1,58,262 रजिस्ट्रेशन हो चुका है आरआरबी पटना में। ये सब आंकड़ा दोस्तों करीबन हमको मेरा व्हाट्सअप ग्रुप जो स्टडी इंडिया अड्डा है उस पे स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था। कल का डाटा यहाँ पे, वो अपना लैपटॉप वाला तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे नहीं दिखा रहे थे, लेकिन कल का टाइम में मैं बात किया था तो उन्होंने बोला कल का ये सब रजिस्ट्रेशन का डाटा यानी इवनिंग टाइम का, कल का ध्यान दीजिएगा 24 मार्च का इवनिंग टाइम में ये सब रजिस्ट्रेशन हो रहा है। दोस्तों, आज का जो डाटा आएगा वो इवनिंग शिफ्ट में यहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। और एक चीज़ आप लोग कंफर्म कर लीजिए कि हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो डाटा आपको दिया जाए
वो बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट डाटा दिया जाए, क्योंकि आप जिस चैनल को विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये एक एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड बातें होती है। ये एनालिसिस आप लोग के डिमांड बहुत आ रहा था, उसके लिए ये एनालिसिस करवाया जा रहा है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आरआरबी पटना के बाद, हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट बोर्ड का जो स्क्रीनशॉट आया है, आरआरबी रांची। ध्यान दें, आरआरबी रांची का जो आंकड़ा है दोस्तों, 226,661 आंकड़ा है, चल रहा है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 226,661 रजिस्ट्रेशन आरआरबी रांची के। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बोर्ड के एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट। ये सब स्क्रीनशॉट स्टूडेंट के माध्यम द्वारा भेजा गया है, वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आरआरबी मुजफ्फरपुर का जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो 34,291 रजिस्ट्रेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुजफ्फरपुर में चल रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब जो एनालिसिस है दोस्तों कल इवनिंग का था, यानी आज के डेट में आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो आपको इस डाटा में करीबन 5,000 से 10,000 डाटा आपको वेरिएबल देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब, एक बोर्ड में एट अ टाइम बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होने के कारण 10,000 से 20,000 रजिस्ट्रेशन इंक्रीमेंट होते हुए देखा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बोर्ड का एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए ये जो है आपके पास स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीनशॉट भेजा गया है किन्हीं स्टूडेंट के द्वारा, 8:54 यानी 9 बजे के करीब वो रजिस्ट्रेशन किए हैं अपने मोबाइल से। ध्यान दें, आरआरबी गोरखपुर का ये रजिस्ट्रेशन है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गोरखपुर का ये रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है 176,666 9 बजे के करीब, 8:56 में किन्हीं विद्यार्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया था आरआरबी गोरखपुर में, 176,666 रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ये आंकड़ा दोस्तों कल इवनिंग का, यानी कल 9 बजे नाइट में रजिस्ट्रेशन किया गया था किन्हीं स्टूडेंट द्वारा, जो 176,666 रजिस्ट्रेशन मिला है। दोस्तों मैं फिर से यहाँ पे जिक्र कर लेना चाहता हूँ, आप अगर एनालिसिस देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर्स का क्या कट ऑफ रहा था, तो शाम का जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसे जरूर देखें। उसमें तीन चीज़ बताया जाता है, साथ साथ रजिस्ट्रेशन आज का डेट में, जो डे टाइम में जो रजिस्ट्रेशन मेरे पास आएगा उसका एनालिसिस मैं इवनिंग शिफ्ट में करवा देता हूँ, और नाइट वाला को मॉर्निंग शिफ्ट में रजिस्ट्रेशन का एनालिसिस करवा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो इवनिंग शिफ्ट होता है उसमें तीन चीज़ बताया जाता है। पहला चीज़, उसमें रजिस्ट्रेशन के साथ साथ किस जोन में एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट का फाइट चल रहा है, साथ साथ प्रीवियस ईयर्स का क्या कट ऑफ रहा था नॉर्मलाइजेशन के बाद, उसको भी जिक्र किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर हाल फिलहाल में रजिस्ट्रेशन किए हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ साथ किस डेट में रजिस्ट्रेशन किए हैं, कौन सा बोर्ड आपका है, कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट एनालिसिस का जो वीडियो बनाए उसमें मुझे आसानी हो और स्टूडेंट को जो डाटा मिले वो बिल्कुल एक्यूरेट डाटा मिल पाए। दोस्तों एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आप अगर रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दें, रेलवे का किसी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप खुद एनालिसिस करते होंगे, क्वेश्चन बनाते होंगे, तो रेलवे में अधिकतर प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो इस चैनल पे ध्यान दें, इंजीनियर राहुल सर द्वारा डेली लाइव क्लासेज के साथ साथ डेली वीडियो अपलोड हो रहा है, प्रीवियस ईयर्स का वीडियो को ज़्यादा इस चैनल पे फोकस किया जाता है। मैं एक बात और कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि हाल में जो ALPCVT का T2 का जो रिजल्ट आया है उसमें स्टूडेंट का बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है कि सर आपके चैनल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, जो टेक्निकल पोर्शन के आपने वीडियो अपलोड किया था, और साथ साथ करेंट का जो वन ईयर वाला जो करेंट आपने अपलोड किया था, साथ साथ बिकली चला रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा
अच्छा बेनिफिट हुआ और मेरा स्कोर बढ़ने को देखने को मिला है। आप इस ये आप किसी भी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, कमेंट में स्टूडेंट द्वारा कमेंट किया गया है। चलिए वीडियो को समाप्त किया जाए। फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन पे फटाफट क्लिक करना है। साथ में लाइव टेस्ट देकर स्कोर चेक करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करना है। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि प्रत्येक स्टूडेंट को इस चैनल के बारे में पता चले। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। जय हिंद।